हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारे फिफ्थ चैप्टर का 50% पोर्शन हम कर चुके हैं, बाकी का बचा जो 50% है वो अब हम देख लेते हैं। तो हम कहाँ पर थे? प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी, यानी कि एलिजिबल कंपनी। हमने देख लिया कि कंपनी को एलिजिबल बनने के लिए क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। एलिजिबल कंपनी आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन एडिशन टू देयर मेंबर्स, यानी कि हम मेंबर से तो ले सकते हैं, बीइंग अ पब्लिक कंपनी मेंबर से तो ले सकते हैं, बट साथ में पब्लिक से भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट मीन्स नॉट एट ऑल कंपनी कैन एक्सेस अ पब्लिक एट लार्ज फॉर रेजिंग डिपॉजिट्स थ्रू दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी जैसे शेयर्स पूरी इन जनरल इशू कर देती है, ऐसे हर किसी से डिपॉजिट ले लेंगे। वहाँ पे एक लिमिट रहेगी, हम आगे देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 76 ऑफ द एक्ट, द कंपनीज ऑफ द एक्ट एंड द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014। डील विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज। इस रूल में हम क्या पढ़ेंगे कि एलिजिबल कंपनी कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करेगी, ये वो बोल रहे हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक शैल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सच सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 एंड प्रेस्क्राइब द रूल्स। तो वो प्रोविजंस क्या है, फाइनली हम पहुंच गए उन प्रोविजंस तक। प्रोविजंस देखते हैं, बहुत देर हो गई हम इस कलर से पढ़ रहे हैं, ये वाला कलर। नेटवर्थ और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है, जो हमने ऊपर देखा था कि नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीस और टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीस मे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी, हम छोटी कंपनी नहीं ले रहे यहाँ पे, ये कंपनी हो गई 100 करोड़ रुपीस का उसका नेटवर्थ रहेगा और जो टर्नओवर रहेगा वो 500 करोड़ रुपीस का रहेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी छोटी नहीं रहेगी। ये कंपनी यहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा अपने शेयर होल्डर से, यहाँ पे जनरल मीटिंग में कंसेंट लेना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास किया जा सकता है अगर वो सेक्शन नंबर 180 सबसेक्शन 1 सी क्लॉज का कंप्लायंस करते हैं, तो उस कैटेगरी में अगर वो आ जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करके काम चल जाएगा। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पे रजिस्ट्रार से क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी कि जो कंपनी है उसकी स्टेट क्या है, मतलब कि स्टेट क्या है से मेरा मतलब है कि वो क्या पोजीशन में है अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, अपने डिपॉजिट्स को पे ऑफ करने के लिए वो क्या पोजीशन में है। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेट ऑफ की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी, उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमें यहाँ पे रेटिंग लेनी होगी कि हम कौन सी जगह पे लाई करते हैं, ताकि इससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योर फील कर सकें। फर्दर द क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड नंबर यहाँ पे दिया होगा उससे नीचे हमारी नहीं होनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग, अबव होगी तो चलेगी लेकिन नीचे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चार्ज क्रिएशन ऑन असेट नेसेसरी इफ डिपॉजिट आर सिक्योर्ड, अगर डिपॉजिट हमने सिक्योर डिपॉजिट के तौर पे इशू किए हैं तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ चार्ज नेसेसरी हो जाएगा। ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं अपने प्रोविजंस में, तो इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली एक तरीके से हमारा रिवीजन ही हो रहा है क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले प्रोविजंस में भी सेम चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ चार्ज हो जाएगा अगर हमने सिक्योर डिपॉजिट्स इशू किए हैं तो। द अमाउंट ऑफ चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड,
जितना हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उससे कम का हम अमाउंट नहीं रख सकते चार्ज का। और यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी रूल 6 स्टेट दैट द कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट शैल क्रिएट सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट्स ओनली। इनटेंजिबल असेट्स के लिए यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा। द अदर पॉइंट्स क्या हैं इसके बारे में, द कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होगा पहली बात। दूसरी, टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होल्ड शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। सिक्योरिटी की अमाउंट भी कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जितनी हमारी डिपॉजिट की अमाउंट है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने 100 लाख के डिपॉजिट यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं तो जो मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, अगर वो मैंने 50 लाख की है, मतलब 100 लाख के डिपॉजिट्स हैं और 50 लाख की वो सिक्योरिटी है, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो वो उस सिक्योरिटी को सेल ऑफ करके या उस सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके किसी भी तरीके से उससे सिर्फ 50 लाख रुपीज़ ही रिकवर हो पाएंगे। बाकी के जो 50 लाख रुपीज़ बच जाएंगे वो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट रह जाएगा, यानी कि वो डिपॉजिटर के लिए एक लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अमाउंट ऑफ जो हमारी वैल्यू होगी सिक्योरिटी की वो हमारे डिपॉजिट की अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ असेस सब्जेक्ट टू चार्ज शैल बी असेस्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये वैल्यू असेस करने के लिए हम एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का की हेल्प लेंगे। द सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द ट्रस्टी। जो सिक्योरिटी होगी वो हमारा जो डिपॉजिटरी नहीं, जो हमारा डिपॉजिट ट्रस्टी है उसके नाम पे होगी, उसके फेवर में होगी। स्पेसिफिकली फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेन्योर फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। हमने ऊपर जो पढ़ा था वो 6 मंथ की बात कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम हम गए थे 36 मंथ तक। तो यहाँ देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है। कंपनी नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट विच कैन बी रीपेएबल ऑन डिमांड, विच कैन बी रीपेएबल ऑन डिमांड और इन लेस देन 6 मंथ। लास्ट टाइम मुझे एक मिस्टेक अपनी रियलाइज़ हुई। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑन डिमांड अगर हमने डिपॉजिट इशू किए तो वो अलाउ है, लेकिन वो अलाउ नहीं है एक्चुअली। तो जब ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है उसको मार्क करके रख लेना चाहिए ताकि हम अगली बार उस चीज़ को याद रखें। तो मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैं इसको मार्क करके यहाँ पर रख लेती हूँ। इज़ नॉट परमिट कि वो ऑन डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें। दूसरा, 6 महीने से कम के पीरियड में अगर उनका डिपॉजिट का रीपेमेंट है तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते या उसको रिन्यू नहीं कर सकते। फर्दर, द मैक्सिमम पीरियड कितना होगा हमारे पास डिपॉजिट एक्सेप्टेंस रखने के लिए। हमारे पास मैक्सिमम पीरियड नॉट एक्सीड 36 महीने से ज़्यादा भी हम ये नहीं रखेंगे, यानी कि मिनिमम कितना हुआ 6 महीने और मैक्सिमम हुआ 36 महीने। 6 महीने से 36 महीने के बीच में ये टेन्योर होगा कि हम कितने टाइम तक डिपॉजिट्स को अपने पास रखेंगे। अगर आप मेरी ऐसी कोई मिस्टेक हाईलाइट कर लो तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। एक्सेप्शन टू रूल ऑफ टेन्योर ऑफ 6 मंथ। जो हमने 6 महीने वाला ये बोला कि 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, उसकी एक्सेप्शन भी यहाँ पे हमें बताई गई है। तो एक्सेप्शन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग एनी ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स द कंपनी में एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट फॉर द रीपेमेंट अर्लियर देन 6 मंथ। अगर हमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसके टाइम पे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो जो डिपॉजिट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 10% से ज़्यादा, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका हम 10% निकालेंगे, उससे ज़्यादा का वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। दूसरा,
सच डिपॉजिट आर रीपेएबल ओनली आफ्टर 3 मंथ, जब हमने उसको रिन्यू या नया डिपॉजिट जब हमने एक्सेप्ट किया है तो वो उसके 3 महीने, यानी कि जब हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसके 3 महीने के बाद ही हम उसे रीपे करें, उससे पहले ना करें। तो यानी कि अब जो हमारे पास, एक तो 6 महीने की लिमिट है, लेकिन उससे शॉर्टर अगर लिमिट हम बात करें तो हमारे पास 3 मंथ्स की लिमिट अवेलेबल अभी भी है। कम से कम 3 महीने तो यहाँ पे फिर भी आ ही जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर, फॉलोइंग आर दी प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इन दिस रिस्पेक्ट। वन और मोर ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर यहाँ पे हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। एक या एक से ज़्यादा भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। रिटन कंसेंट लेना होगा उनका, ट्रस्टीज़ का, कि वो रेडी है ट्रस्टी बनने के लिए। स्टेटमेंट शैल अपियर इन दिस सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट, कौन सी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर की, जिसमें हमने उनका कंसेंट भी शो करना है। देन द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म नंबर DPT-2। DPT-2 के अंदर हम डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाएंगे लीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। जब हमने सर्कुलर इशू किया उससे कम यानी कि सपोज़ कि हमने डेट डिसाइड की है कि हमें 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को हमें यहाँ पे इशू कर देना है सर्कुलर को, तो उससे पहले यानी कि 1 तारीख तक कम से कम 1 तारीख तक हमें यहाँ पे ट्रस्ट डीड बना लेनी है। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टशिप सर्विसेज शैल बी अपॉइंटेड। जो यहाँ पे ट्रस्टशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन्हें अपॉइंट नहीं करेंगे, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो। इज अ डायरेक्टर एक तो यहाँ पे ट्रस्टशिप सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी की बात हो रही है और साथ में बात हो रही है अगर उस कंपनी के डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन या कोई अदर ऑफिसर है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा, चाहे वो सब्सिडरी का हो या होल्डिंग कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन हो तो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। क्या बनने के लिए एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पे डिपॉजिटरी ट्रस्टी बनने के लिए। इज इनडेप्टेड टू कंपनी, अगर वो कंपनी के साथ में इनडेप्टेड है यानी कि एक तरीके से यहाँ पे फिर इन्फ्लुएंस होने वाली बात हो गई कि वो तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो फिर वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा डिपॉजिट्स की, क्योंकि जो बंदा खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है वो किसी और को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे वही बात हो गई। हैज़ एनी मटीरियल प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, किसी भी तरीके का मटीरियल प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप उनके पास है, उनका है पिक्यूनियरी रिलेशनशिप उनका है, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली वो फिर इस कंडीशन में भी इन्फ्लुएंस होगा, उसके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे, तो यहाँ पर वो भी अलाउ नहीं होगा। हैज़ एंटर्ड इनटू अ गारंटी एग्रीमेंट विद द इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्ट सिक्योरिंग बाय द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, यहाँ पर उसने गारंटी दे दी है तो इस केस में भी वो उसके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे, देन वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट is related to any person specified in clause A, अगर वो clause A में specify किए हुए person का यानी कि जो हमारे key managerial person, जो manager, जो officers थे holding या subsidiary या फिर associate company के या फिर खुद उस company के, उनका अगर कोई relative है तब भी यहाँ पर वो disable हो जाएगा यानी कि ineligible हो जाएगा। disable से मेरा मतलब ineligible था। No trustee फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस आफ्टर इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने कोई अपॉइंट कर लिया है एज अ ट्रस्टी, कोई किसी पर्सन को हमने अपॉइंट कर लिया है तो हम उसे एडवर्टाइजमेंट इशू करने के बाद और सर्कुलर इशू करने के बाद
ऑफिस से नहीं निकाल सकते, यानी कि उसे रिमूव नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। ऑल डायरेक्टर्स की क्या मतलब हुआ, यहाँ पे लगेगा यूनैनिमस कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यूनैनिमस कंसेंट का मतलब होता है कि आपको 100% वोट्स चाहिए उनके फेवर में, एक भी वोट अगर यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा तो वो यूनैनिमस कंसेंट पास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 100% डायरेक्टर्स का कंसेंट लगेगा उसको रिमूव करने के लिए, और उसका एक्सपायरी पीरियड आने के बाद ये होगा, उससे पहले बिफोर एक्सपायरी हम उसको यहाँ से नहीं निकाल सकते। आगे देखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हमारे पास कितना रहना चाहिए फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अगर हम मेंबर की बात करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रहना चाहिए वो एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरीके जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम एंड उसका फ्री रिजर्व, तो बात दोनों में सेम है, चाहे आप इतना बोल दो या फिर आप बोल दो 100% ऑफ इतना, तो इक्वली है। ये नंबर वन पॉइंट था कि हमारे पास 100% ऑफ पेड अप कैपिटल शेयर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट की तरह ले सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर। अगर हमने पर्सन मेंबर के अलावा किसी और पर्सन से लिया है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में यहाँ पे अलाउ था गया मेंबर के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, जो हमारे पास अभी डिपॉजिट है और जो हमने पहले से ले रखा है, दोनों को मिला करके एक्सेप्टेंस वाली डेट पर हमारा मैक्सिमम 25% होना चाहिए। किसका 25%, अगेन एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का मैक्स 25% हम निकालेंगे, और उस अमाउंट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिपॉजिट इन केस ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। अगर डिपॉजिट गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तब कितना होगा उसका मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो शायद इसको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिली हो। सच कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट रिन्यू एनी डिपॉजिट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ अदर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। यहाँ पे दोनों डिपॉजिट्स को एड ऑन किया जाएगा, जो मेरे एग्जिस्टिंग है और जो मेरे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अभी हैं, उनमें से मैक्सिमम टू 35%। ऊपर कितना था 25%, यहाँ पर कितना है 35%, 10% एक्स्ट्रा का बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से मिल गया है। और अगेन ये जो हम देखेंगे ये वही देखेंगे पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को, तीनों को ऐड करके उसका 35% यहाँ पे निकाला जाएगा। इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो हमने सर्कुलर इशू किया उसको हम एडवर्टाइजमेंट की तरह कर रहे हैं इशू। तो एन एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन DPT 1। फॉर्म नंबर क्या है इसका, हमारा सर्कुलर इशू करने के लिए हमारे पास फॉर्म नंबर है DPT 1। सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड वर्नेकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, बोथ न्यूज़पेपर शुड हैव वाइड सर्कुलेशन। यानी कि ऐसा हम अखबार में नहीं छुपाएंगे जिसकी कोई रिच ही ना हो पीपल्स तक, तो हमें ऐसा अखबार चुनना होगा जो पॉपुलर हो, जिस अखबार को मैक्सिमम लोग यूज़ करते हों, तो उनको इन्फॉर्मेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी फिर, इसलिए हमें ऐसा अखबार चुनना होगा। वरना अगर कंपनी को कुछ छुपाना हो तो कंपनी तो एक ऐसा अखबार चुन लेगी जिसकी जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट तो कर दी, लॉ तो कंप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कंपनी ने किसी को इन्फॉर्म किया, एक्चुअली वहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया, और कंपनी ने अपने आप को बहुत ही चालाकी से किनारे से बचा लिया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक पॉपुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए।
इफ़ द कंपनी हैज़ इट्स वेबसाइट, तो उन्हें वेबसाइट पर भी ये सर्कुलर प्लेस करना होगा। सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी इशूड ऑन अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। अब हमने हर चीज़ को मम्मी को बताया ही है, तो अब ये वाली बात भी हम मम्मी को बताएंगे। अगेन 30 days बिफोर इशू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। हमने एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले मम्मी को क्या बताया कि हम सारा ये प्रोविज़न कंप्लाई कर रहे हैं। साइन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, के यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स के हमने साइन ले लिए, वो साइन हम मम्मी के पास फाइल करेंगे। अप्रूव द एडवर्टाइजमेंट एंड अदरवाइज साइन बाय द ड्यूली ऑथोराइज एजेंट्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उस एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन, कि हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं, सर्कुलर की इंफॉर्मेशन बेसिकली हम यहाँ पे ROC के पास पहुँचा रहे हैं। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले उसको इशू करने से। वैलिडिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द एडवर्टाइजमेंट शैल रिमेन वैलिड टिल अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, अप टू 6 months ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक, ठीक है, या तो फिर डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर द कंपनी इन एनुअल जर्नल मीटिंग। जब एनुअल जर्नल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेस की जाएंगी उस डेट पे, तो अगर हमारी AGM 6 months होने से पहले हो जाती है, तो हम AGM वाले डे को एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी का लास्ट डे मानेंगे। और अगर हमारे AGM 6 months के बाद हो रही है, तो यहाँ पर हम 6 months जब हमारे ख़त्म हो रहे हैं उसको हम एलिजिबिलिटी का लास्ट डे मानेंगे, वैलिडिटी का लास्ट डे मानेंगे। फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। अ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट शैल बी इशूड इन ईच सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हर साल हमें, जब भी हमारा डिपॉजिट जितने टाइम तक हमारे पास रहेगा, तो हर साल हमें एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट इशू करनी है जब हम पब्लिक को इन्वाइट करना चाहते हैं अपने लिए डिपॉजिट करने को। तो हमें यहाँ पे हर साल फाइनेंशियल ईयर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकते हैं। इशू एंड इफेक्टिव डेट। द डेट ऑन विच द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिस दिन वो न्यूज़पेपर में छपेगी, उस दिन उसी डेट को हम मान लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट इशू हुई है। फर्दर इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? जब वो सर्कुलर शैल बी डेटेड ऑन विच द सर्कुलर वाज डिस्पैच। जब सर्कुलर को डिस्पैच किया गया है उस डेट को हम इफेक्टिव डेट मान लेंगे। 10th point मेंटेनेंस एंड यूजिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जो हमने वहाँ पे डिपॉजिट की सिक्योरिटी के लिए बनाया था, जिसका अमाउंट हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। हम हर साल 30th अप्रैल को या उससे पहले एटलीस्ट 20%, किसका 20%, जो अमाउंट डिपॉजिट का मैच्योर हो रहा है उस साल में, उसका 20% कम से कम हम उस अकाउंट में डालेंगे। शेड्यूल बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट हमारा बनेगा, जिसको हम डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व कह रहे हैं, उस अकाउंट में हम कम से कम ये अमाउंट डालेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ये अमाउंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ रीपेमेंट के लिए। तो एक्चुअली जो हमारे पूरे डिपॉजिट का 20% होगा, वो तो हमने सिक्योर कर दिया, और 20-20 करके शायद हमारा हर साल थोड़ा और ज़्यादा ही हो जाए। रूल 13 स्टेट दैट द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द अकाउंट शैल नॉट बी यूज बाय द कंपनी फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन रीपेमेंट। ठीक है, रीपेमेंट के अलावा हमारा कोई और पर्पस इस अमाउंट को यूज़ करने के लिए नहीं होना चाहिए। सीलिंग रेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेएबल ऑन डिपॉजिट। एन एलिजिबल कंपनी इज परमिटेड टू इन्वाइट और एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट और पे एनी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, बट इन नो केस
इट शैल एक्सीड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ब्रोकरेज प्रिस्क्राइब बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमाउंट या रेट प्रिस्क्राइब किया है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, चाहे हम कितनी भी बार यहाँ पे या कितना भी पे करें, कितने भी टुकड़ों में पे करें, वो हम रिजर्व बैंक से ऊपर तो जा नहीं सकते. उन्होंने एक तरीके से अपर लिमिट हमें दी है कि इससे आप ऊपर नहीं जा सकते, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का. फर्दर नो ब्रोकरेज शैल बी पेड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन हु इज ऑथराइज. जो ऑथराइज पर्सन है उसको, उसके अलावा किसी और पर्सन को यहाँ पे अमाउंट वो पे नहीं किया जाएगा ब्रोकरेज का अमाउंट. कंपनी टू सॉलिसिट डिपॉजिट ऑन इट्स बिहाफ एंड थ्रू होम डिपॉजिट आर एक्चुअली प्रोसीजर. सॉरी मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बोला, ये प्रोक्यूर है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट. अ कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ओनली व्हेन एन एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड बाय द कंपनी इज सबमिटेड बाय इंटेंडिंग डिपॉजिटर. पहले भी हमने ये बात की थी, एक तरीके से देखा जाए तो जो हमने फर्स्ट अपनी पहली क्लास में जो प्रोविजंस पढ़े थे वही सारे के सारे प्रोविजंस हमारे पास रिपीटेडली आ रहे हैं. ये वाला प्रोविज़न हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले जो बंदा यहाँ पे डिपॉजिट देना चाहता है कंपनी को वो एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करेगा. तो अगेन हम वही चीज़ कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू वो बंदा इन्फॉर्म करेगा, उसका एक तरीके से डिक्लेरेशन होगा, कंटेनर डिक्लेरेशन मेड बाय द डिपॉजिटर कि वो यहाँ पे डिपॉजिट पे करने के लिए रेडी है. डिपॉजिट इन जॉइंट नेम, अगर वो जॉइंट नेम में डिपॉजिट कर रहे हैं तो मैक्सिमम जॉइंट नेम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. कहाँ लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 3 मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे 3. और यहाँ पे कोई भी स्पेशल वर्ड ऐड करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी. नॉमिनेशन, जो पर्सन यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है वो नॉमिनेट भी कर सकता है किसी और पर्सन को इन केस अगर उसको कुछ हो जाता है तो जो डिपॉजिट का रीपेमेंट है वो उस पर्सन नॉमिनी को मिल जाएगा. डिपॉजिट रिसिप्ट यहाँ पे देनी होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक. जिस दिन हमने चेक ले लिया, रिसीव किया, जिस दिन हमने चेक रियलाइज कर लिया है या तो फिर जिस दिन हमने मनी रिसीव कर लिया है उससे 21 डेज के अंदर अंदर हमें डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है. कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है जो कि साइन होती है, किस कौन साइन करता है, ऑथराइज ऑफिसर या फिर, और उसके ऊपर डेट और स्टेट लिखी होती है डिपॉजिट की और नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है डिपॉजिटर का. ये सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होगी कि उसमें अमाउंट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द मैच्योरिटी डेट. तो आगे बढ़ते हैं. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट हमें मेंटेन करना पड़ेगा. एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर भी हो सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं कि नाम, एड्रेस और पैन ऑफ द डिपॉजिटर. पर्टिकुलर उसका गार्जियन कौन है, अगर माइनर है तो गार्जियन का नाम आएगा, उसके नॉमिनी का नाम आएगा, डिपॉजिट रिसिप्ट का नंबर आएगा, डेट आएगा, अमाउंट आएगा, हर डिपॉजिट की ड्यूरेशन आएगा कि हमने कितने टाइम तक के लिए वो डिपॉजिट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जो हमारा पेएबल है, ड्यू डेट आएगा उसकी रीपेमेंट का और इंटरेस्ट का. एक्चुअली इंटरेस्ट का ड्यू डेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं. मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जो मैंडेट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे. TDS TCS कितना कट रहा है हमारा वो भी आएगा, या कट रहा है नहीं एक्चुअली के नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, अगर ऐसा है तो ये भी हमें वहाँ मेंशन करना होगा. डेट और डेट्स ऑन विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेड, जब जब हमें इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी वो सारी डेट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे.
पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ चार्ज क्रिएटेड, जो हमने उसको अगर सिक्योर डिपॉजिट्स हैं तो उस केस में हमने चार्ज क्रिएट किया होगा तो उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर हमें लगता है कि कुछ और ज़रूरी सूचनाएं हैं तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दी एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ रिसिप्ट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाई द डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बाय एन और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय बोर्ड। तो उसके ऊपर जो सिग्नेचर करेंगे वो ये लोग कर सकते हैं। The said register shall be preserved in good order for a period not less than 8 years. The said, वो जो register हमारे पास, हमने जो maintain किया है deposit register, वो कम से कम 8 साल तक रखा जाएगा secure। ऐसा नहीं कि हम उसको साथ, हमारे डिपॉजिट्स हमने पे कर दिए तो हम ये नहीं कह सकते कि अब हमने डिपॉजिट्स ही पे कर दिए तो अब उसको क्या ज़रूरत है रजिस्टर की, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हमें 8 साल तक उनको कम से कम रखना पड़ेगा। प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, हमारा भी टाइम नहीं हुआ है डिपॉजिट रीपे करने का लेकिन उसको हम पे कर रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months बट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ मेच्योरिटी, 6 महीने की मिनिमम लिमिट है कि कम से कम 6 महीने तक तो हम पे नहीं कर सकते, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। द डिपॉजिटर रिक्वेस्ट प्री मेच्योर पेमेंट, वो कह रहे हैं कि हमें अभी पेमेंट कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल शैल बी 1% लेस देन द रेट ऑन विच वुड बी पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ विच द डिपॉजिट हैज़ एक्चुअली रन। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसको कम इंटरेस्ट रेट में भी हमें अभी पे कर दो, मतलब जल्दी कर दो, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ टू बी नोटेड दैट द पीरियड ऑफ विच द डिपॉजिट इज हैज़ रन इफ इट इज़ कंटेन एनी पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ लेस देन 6 months देन इट शैल बी एक्सक्लूडेड, वो हम हटा देंगे। अदरवाइज इफ द पार्ट इज 6 months और मोर इट शैल बी टेकन एज 1 year, मतलब पार्ट या पार्ट देयर ऑफ की तरह यहाँ पे 1 साल मान लिया जाएगा। अगर 6 महीने से कम है तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो हम उसको 1 साल मान लेंगे। रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा? व्हेन द डिपॉजिट इज प्रीमेच्योरली रीपेड। टू कंप्लाई विद रूल 3 प्रीमेच्योर रीपेमेंट मेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ब्रिंग इट विद इन द प्रीमेच्योर लिमिट्स, ये जो प्रीमेच्योर रीपेमेंट है ये इसलिए है ताकि जो हमारा टोटल डिपॉजिट की अमाउंट बन रही थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम आज पे कर देंगे तब तो हमें इंटरेस्ट आगे नहीं देना पड़ेगा। वेयर द डिपॉजिट इज प्रीमेच्योरली रीपेड टू प्रोवाइड द फॉर वॉर रिस्क अदर रिलेटेड बेनिफिट्स टू द पर्सनल ऑफ नेवी मिलिट्री एयर फोर्स, किसी फोर्स के, कोई हमारी फोर्स है जिसमें हम ये डिपॉजिट रीपे कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये डिपॉजिट रीपे कर रहे हैं उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पर ये रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट की लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन केस अ डिपॉजिटर डिजायर टू अवेल हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय रिन्यूइंग और डिपॉजिट बिफोर इट्स एक्चुअल मेच्योरिटी डेट, द कंपनी पे हिम higher rate of interest only if the deposit is renewed for the period longer than the unexpired period of deposit. अगर कोई depositor अपना rate of interest बढ़ाना चाहता है तो वो company कब कर सकती है? जब उसकी term को renew कर दिया जाए। तो उसकी term को renew करने के लिए यहाँ पर company ने कितना पीरियड यहाँ पे माना जाएगा? जो उसका अभी रिमेनिंग पीरियड रह गया, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड रह गया उसकी टर्म से ज़्यादा होना चाहिए।
जो अब न्यू टर्म्स होंगी वो उसकी टर्म्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम यहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ऑफर कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद रजिस्ट्रार, अ ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न यहाँ पे हमें फाइल करनी होगी DPT 3 में रजिस्ट्रार के पास बिफोर 30th of June ऑफ द ईयर। पहले हमने जो पढ़ा था रिटर्न के बारे में वो 30th of April था, यहाँ पे 30th of June है। आगे डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में भी बताना होगा कि ये ऊपर जो हमने सारे चेंजेस किए हैं, सारे प्रोविजंस फॉलो किए हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इन्फॉर्म करनी होंगी नोट्स में आकर के। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर कंपनी ने मैच्योरिटी पर डिपॉजिट पे नहीं किया है तो उस केस में, और जो डिपॉजिटर है हमारा वो क्लेम कर रहा है, तो उस केस में वहाँ पर कंपनी को 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी कि डिपॉजिट का अमाउंट तो वो अब पे करेंगे, साथ में वो 18% का पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेंगे पर एनम के हिसाब से, उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। नो राइट टू ऑल्टर, कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कुछ भी ऑल्टर करने का। क्या ऑल्टर करने का राइट नहीं है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट, या फिर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ को ऑल्टर करने का राइट कंपनी के पास नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसमें फिर जो हमारा डिपॉजिटर है उसकी पोजीशन इम्पेयर हो जाएगी, मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी खतरे में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कंपनी पे। अब पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर कंपनी ने यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन किया डिपॉजिट को इनवाइट करने में, उसकी रीपेमेंट करने में, या किसी भी रूल में, तो क्या होगा? फाइन लगेगा 5,000 रुपीज़ तक का, जो कि मतलब फ़ाइन जो है वो 5,000 रुपये तक जा सकता है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन कंटिन्यूइंग वन, कि वो लगातार वो कॉन्ट्रावेंशन होता ही जा रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ एवरी डे के हिसाब से लगेगा जितने भी दिन तक वो कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 टू एलिजिबल कंपनी। रूल नंबर 19, पर्सन टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 76 ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड 74 शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब सुमोटो, खुद से यहाँ पे वो अप्लाई होंगे ही होंगे। द प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फ्रेश डिपॉजिट एवरी एलिजिबल कंपनी शैल हैव टू बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड ऑफ दिस एक्ट एंड दीज रूल्स। वो यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद में हम जो ये एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। वही बोल रहे कि ये सेक्शन नंबर 73 और 74 एलिजिबल कंपनी के ऊपर कंप्लीटली एप्लीकेबल होंगे। तो जो हमने ऊपर पढ़े थे पब्लिक कंपनी के बारे में, वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे आगे भी देखेंगे। अब देख लेते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, क्या क्या पनिशमेंट हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 76A ऑफ दिस एक्ट, इन दिस केस अ कंपनी एक्सेप्ट इन और इनवाइट और अलाउ एनी पर्सन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइट ऑन बिहाफ ऑफ एनी डिपॉजिट इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मैनर और कंडीशन इन प्रिस्क्राइब मैनर। यानी कि प्रॉपर तरीके से कंपनी ने जो डिपॉजिट मंगाया है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके नहीं मंगाए, तो एक तरीके से कॉन्ट्रावेंशन हुआ। तो जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट जो कंपनी को मिलेगी वो नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जो उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उसका ट्वाइस हो सकता है, या फिर
1 करोड़ रुपी हो सकता है। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हम यहाँ पे पनिशमेंट कंपनी को देंगे। पनिशमेंट क्या देंगे, बल्कि एक्चुअली फाइन कह सकते हो, फाइन या पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट हमारा जा सकता है 10 करोड़ रुपीस तक भी। पनिशमेंट टू ऑफिसर, ऑफिसर को तो इम्प्रिसनमेंट भी होती है, तो यहाँ पे कंपनी के हर ऑफिसर को जिसने ऑफेंस किया है उसको पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिसनमेंट की, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स तक, और उसको फाइन भी लग सकता है 25 लाख रुपी, बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपी, यानी कि 25 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपये तक का फाइन जा सकता है, प्लस इम्प्रिसनमेंट हो सकती है जो कि 7 साल तक जा सकती है, प्लस दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा बड़ी जो सज़ा मिलती है वो हमेशा ऑफिसर को मिलती है, क्योंकि एक्चुअली जो फ्रॉड कर रहे हैं वो तो ऑफिसर कर रहे हैं कंपनी के नेम में। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद से तो कुछ नहीं कर रहे, तो कंपनी के पीछे जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स को ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि वो ही एक्चुअल में यहाँ पे फ्रॉड कर रहे होते हैं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट से पहले हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, देन हम आगे क्या देखेंगे इसमें। फाइलिंग अ स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार, जो हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे उसकी स्टेटमेंट हमें रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी, एंड रीपेमेंट की भी करनी पड़ेगी। और जो इंटरेस्ट उसका रिमेन रह जाएगा अभी तक हमने पे नहीं किया है वो यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना होगा हमें। जो अमाउंट हमारा अनपेड रह गया उसके लिए कंपनी को फॉलोइंग स्टेप्स लेने होंगे। फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ड्यू विद रजिस्ट्रार, उसके लिए हमें फाइल करना होगा कम से कम 3 महीने के अंदर। किसको फाइल करना होगा, अगेन ROC को। हमेशा हम ROC को ही सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो मम्मी हमारी, तो उन्हीं को हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड सम रिमेनिंग अनपेड, जो सम अभी अनपेड रह गया और जो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, सारी की सारी हमें स्टेटमेंट बना के उसकी अमाउंट की और उसके इंटरेस्ट पेएबल की, सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे सब चीज़ें यहाँ पे, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्जेक्ट टू विच द डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड और स्कीम फ्रेम्ड अंडर द लॉ, यानी कि ये हमें स्टेटमेंट बना के सारे इन्फॉर्म करना होगा ROC को। ये हमने पढ़ लिया। आगे सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है, रीपे विद 3 ईयर्स, आने वाले 3 सालों में हमें वो डिपॉजिट्स को, उसके इंटरेस्ट को सब कुछ रीपे कर देना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी कि या तो 3 साल में कर दो या फिर उनकी जो एक्सपायरी पीरियड आ रहा है वहाँ तक कर दो। सपोज़ कि 3 साल के बाद मेरा एक्सपायरी पीरियड आ रहा है तो मैं कब तक करूँगी, 3 साल तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर की सिचुएशन है। तो अगर 3 साल पहले ख़त्म हो गए तो 3 साल में कर दो, अगर पहले एक्सपायरी पीरियड आ गया तो एक्सपायरी पीरियड पे कर दो। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यहाँ पे थोड़ा टाइम एक्सटेंड हमें करके दे सकता है, कब, जब हम उनको एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो हमें एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे रीपेमेंट के लिए अलाउ कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फाइल करने पे हमें थोड़ी फ़ी भी पे करनी होती है। पनिशमेंट ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, हमने रीपेमेंट नहीं किया तो उसके लिए मिलेगी पनिशमेंट। एज पर सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन नंबर 3, इफ आ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर अपॉन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इन सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन नंबर 1
और सच फर्दर एक्सटेंशन टाइम अलाउड बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि एक्चुअल टाइम में हमने पे नहीं किया या फिर एक्चुअल में तो किया ही नहीं, साथ में जो हमें ट्रिब्यूनल ने एक्सटेंशन दिया उसमें भी पे नहीं किया। क्या पे नहीं किया? डिपॉजिट का अमाउंट या तो पूरा या फिर आधा, या और साथ में उसका इंटरेस्ट, या फिर सिर्फ उसका इंटरेस्ट भी अगर हमने पे नहीं किया तब भी ये रूल वहाँ पे लगेगा। तो कंपनी को कितनी पेनल्टी लगेगी? 1 करोड़ रुपी एंड मैक्सिमम जाएगी 10 करोड़ रुपी तक। और ऑफिसर को कितनी लगेगी? 7 ईयर्स की इम्प्रिसॉनमेंट विद मिनिमम फाइन होगा 25 लाख का और मैक्सिमम फाइन जाएगा 2 करोड़ रुपीज़ का। और ये इम्प्रिसॉनमेंट और फाइन दोनों एक साथ भी इनको हो सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश। आज हमने 2 चैप्टर्स फिनिश किए हैं और इसी के साथ हमारे 6 चैप्टर्स पे पूरी कमांड हो गई है। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना। रिमेनिंग सिर्फ बचे हैं हमारे 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे और होपफुली हम रेडी होंगे फाइनल रिविज़न के लिए। जब हम फाइनल रिविज़न करें तो एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये जो हाइलाइटेड जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप भी साथ साथ में इन चीज़ों को अपने हाईलाइट कर रहे हो ना, जो चीज़ें मैं तो जब हाईलाइट करती हूँ तो क्योंकि आपको, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैं उस चीज़ के लिए भी हाईलाइट करती हूँ। लेकिन आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ही हाईलाइट करना अपनी बुक में, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको पता हो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने तो अभी हाईलाइट किया, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी की हैं और बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड्स भी की हैं। तो इसलिए अपने अपने हिसाब से यहाँ पे नोट करके रखना, या तो फिर अपने साथ में नोट्स बना के चलो जिसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ताकि हमें एट दी एंड ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में। ओके, देन टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सो गुड बाय।